हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोहिनी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है ट्यूसडे और आज मैं घर पे हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने आज छुट्टी लिया हुआ है। और अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट किया जाए। तो ऐसे कुछ खास तो है नहीं व्लॉग शूट करने के लिए, बट नॉर्मल जो दिन है उसी का बस व्लॉग है। तो अभी जैसे कि नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि का डे टू है, तो बस मेरा तो फास्ट नहीं है, मैंने अपना फास्ट बैठी के दिन ही रखा था। तो बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा, मेरी फ्रेंड है डॉली, तो उसने और मैंने सोचा कि हम लोग हर साल प्लानिंग करते थे गरबा के लिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते थे। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि हम एक दिन का तो गरबा करेंगे ही, जिसकी हमने बुकिंग करवाई है। तो उसकी आज प्रैक्टिस है 5 बजे से, तो अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको प्रैक्टिस भी ज़रूर दिखाऊंगी। और बस, और आज मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर भोग लगाने के लिए दुर्गा जी को। तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, मैंने इससे पहले कभी बनाई नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाली हूँ। तो आप बताइएगा कि कैसी बनती है। और बस अभी कुछ नहीं, दोपहर के 2 बज रहे हैं और दिन काफ़ी अच्छा है, धूप निकली है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ और मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं पर शूट करूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी काफ़ी अच्छी आ रही है और धूप भी आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से शूट करती हूँ अपने व्लॉग और लाइनर के। तो मैं जैसा मुझे आता है मैं एक छोटा सा लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो शुरू करते हैं, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो अपने फेस पे सिर्फ एक चीज़ ही अप्लाई करती हूँ, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं लगाती। तो मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाती हूँ, तो मैं वही थोड़ा सा लगाऊंगी।
लिपस्टिक लग चुकी है। सो गाइस, मेरा ये लुक क्रिएट हो चुका है, तो आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। तो जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स और बहुत सारी लड़कियां अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ मेकअप बताती हैं, तो मेरे पास अभी वो प्रोडक्ट भी नहीं है और मुझे मेकअप आता भी नहीं, तो बस मैंने ये छोटा सा क्रिएट किया है, आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। और बस मैं थोड़ा ड्रेसअप होके आती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ। सो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक और ये मैंने पहना है, थोड़ा सा हैवी नेक वाला सूट पहना हुआ है जिसकी फुल स्लीव्स है, ये देखिए ऐसे, और ये इसका दुपट्टा है और ये वाले मैंने इयररिंग्स पहने हुए हैं। तो बस आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर बताएं। तो आप ये मेरा फेस का पहले देख लीजिए मेकअप, मुझे तो इतना हल्का फुल्का ही अच्छा लगता है। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं गरबा प्रैक्टिस में जाने वाली हूँ, तो मैं आ चुकी हूँ प्रैक्टिस में। और ये देखिए, यही वो हॉल है जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस की, लगभग हम लोगों ने एक घंटा प्रैक्टिस की है, जिसकी क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो हम सभी का आज फर्स्ट प्रैक्टिस था, और यहाँ देखिए डॉली मैडम को। और बस अभी कुछ भी स्टेप्स याद नहीं है, तो जस्ट हम लोग आए थे और सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर तो काफ़ी मज़ा आया। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत टाइम के बाद हम लोग गरबा कर पाए, जो कि करने का बहुत ज़्यादा मन था। तो बस यहाँ पे प्रैक्टिस में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये यहाँ पर अब हम लोग का हो चुका था, हम लोग लौट रहे थे घर, क्योंकि काफ़ी शाम भी हो चुकी थी। तो यहाँ से निकलने के बाद मुझे रास्ते में काफ़ी सुंदर दुर्गा जी की ये मूर्ति दिखी, बहुत अच्छी दुर्गा जी यहाँ पर विराजमान थी, तो मैंने एक छोटा सा शूट इनका ले लिया। वैसे तो और भी बहुत सारी रास्ते में दुर्गा जी मुझे दिखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन भी हुआ है। पूरी सिटी में इतनी अच्छी रौनक है, ये देखिए इतना सुंदर डेकोरेशन है, हर तरफ रौनक, हर तरफ रोशनी है। तो बस मैं जल्दी से घर पहुँची, और मुझे बनानी थी मखाने की खीर, तो मैंने जल्दी से यहाँ पर बनाई है। घी में मखाने को रोस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने थोड़े से घी में दो लौंग को भूना है। तो मैंने ये रेसिपी नहीं देखी है, मैं अपने मन से ही बना रही हूँ। उसके बाद मैंने दूध डाला इसमें, जो कि मैं एक बार ऑलरेडी दूध को बॉईल कर चुकी थी, तो दूध डाल के इसको एक बार और मैंने बॉईल होने दिया। उसके बाद रोस्ट हुए मखाने इसमें मैंने डाल दिए। तो कुछ लोग मखाने को तोड़ के भी डालते हैं या थोड़ा क्रश करके भी डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा दूध एक बार बॉईल हो चुका है, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मखाने। तो मखाने डालने के बाद लगभग 5 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है, तो मखाने जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें। तो ये देखिए, ये लगभग 5-6 मिनट हो गया। इसके बाद मैंने इसमें शक्कर डाला थोड़ा सा, लगभग 3-4 चम्मच डाला है मैंने छोटे चम्मच से। उसके बाद ये देखिए, जो दूध है और मखाने हैं, इसको हमें थोड़ा और गाढ़ा होने देना है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे स्पून की मदद से ये जो थोड़े मखाने हैं इसको चूरा कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। क्योंकि मेरे पास कोई शूट करने वाला नहीं था, तो मैं अपने एक ही हाथ से शूट कर रही थी। और ये देखिए, लगभग गाढ़ी हो चुकी है हमारी खीर। तो मैं इसमें डालूँगी रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, और ऊपर से मैंने 2 चम्मच घी भी ऐड किया है, थोड़ी घी वाली ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो बस ये हमारी जो खीर थी वो बनकर रेडी है, बस इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए, ये ड्राई फ्रूट भी मैंने ऐड कर दिया है और ये हमारी खीर एकदम रेडी है। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही। आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू।